नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानकना मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी कंपनी में आपका स्वागत है। हम अमृतसर पंजाब, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, वहाँ से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा ओल्ड फोकल पॉइंट है, जहाँ पे नियर पुलिस स्टेशन के पास 52 ओल्ड फोकल पॉइंट में हमारी इंडस्ट्री है। हम पूरी मशीनरी जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम एक्सपोर्टर भी हैं। हमारी मशीनें बहुत सारी एक्सपोर्ट भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी मशीनें जो भी है। और ये देखो दोस्तों, मैं आपको नए बिजनेस जो वायर नेल मेकिंग, जो वायर के रिलेटेड जो मशीनें हैं हमारे पास, बहुत सभी वायर के रिलेटेड हर टाइप का मशीन है, लेकिन आज मैं आपको वायर नेल की जो मशीन है उसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप मेरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो आपको इसमें पूरी नॉलेज मिलेगी। पूरी वीडियो देखोगे तो हर मैं मशीन का आपको चलाने का, मशीन कैसे परचेज करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, रॉ मटेरियल किल कैसे बनेगा, सप्लाई कैसे होएगा, कहाँ पे होएगा, उसकी सारी जानकारी आपको दूंगा। आप देखते रहिए मेरी वीडियो। ये देखिए जो वायर नेल है, ये देखिए वायर नेल जो है, जैसे ये देखिए वायर नेल 1 इंची से लेके मतलब आधी इंची, पौनी इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची तक जो वायर नेल है बन जाते हैं। ये देखिए बड़े बड़े वायर नेल भी है। ये देखो, ये हमारी मशीन में ट्रायल किया था, ये बड़े बड़े वायर नेल है, छोटे बड़े सभी हमारे पास मशीन है। बड़ा वायर नेल बनाना है थोड़ी बड़ी मशीन ले लो, छोटा वायर नेल बनाना है थोड़ी छोटी मशीन ले लो। ये बड़े ही जैसे 6 इंची वाली मशीन पे बना हुआ है, SN6 वाली पे, ये जैसे SN2 वाली में बना हुआ है, ये SN4 वाली में बना हुआ है। जैसे आपने आपका बजट के हिसाब से इसकी सेटिंग, कौन कौन सी मशीन लेनी है वो ले सकते हो। जैसे आपने कोई छोटा छोटा किल बनाना है प्लाईवुड के लिए, आप SN2 वाली मशीन लगाओ। SN2 वाली में ऐसा होता है कि जो पतले 17 गेज है, 16 गेज, 14 गेज वो बन जाते हैं, उसमें 18 गेज, 20 गेज तक वो किल बन जाते हैं। उसमें 2 इंची वाली मशीन तक, आधी इंची से लेकर 2 इंची तक बना सकते हो। जेकर आपने उसके 3 इंची तक किल बनाना है फिर 3 इंची वाली मशीन ले लो। ऐसा होता है कि बजट के हिसाब से देख के, जेकर आपने पूरा सेटअप लगाना चाहते हो बड़ा, इसमें इन्वेस्टमेंट करके थोड़ी, तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल के हर टाइप का किल बनाना चाहते हो, फिर ऐसा होता है कि एक 2 इंची वाली मशीन लगाओ, एक 4 इंची वाली और एक 6 इंची वाली। उसमें छोटे भी किल बन जाएंगे, मीडियम वाले भी बन जाएंगे, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, एक 2 इंची मशीन, एक 4 इंची वाला मशीन और एक 6 इंची वाला, 3 मशीन लगाओ और एक पॉलिशिंग ड्रम ग्राइंडर एक ही चल जाएगा उसमें, जो उसमें पॉलिशिंग ड्रम तो ग्राइंडर चल जाएगा। इसमें 3 मशीन लिया और एक पॉलिशिंग ड्रम, एक ग्राइंडर, इसमें टोटल मशीन 5 मशीन हो गया। 5 मशीन में आपकी जो ले लिया आपने, 5 मशीन में डेली का आपका प्रोडक्शन जो है 2-2.5 टन जेड़ा, 2 से 2.5 टन जेड़ी है मटेरियल जो है आपका बन के रेडी हो जाएगा। 2-2.5 टन का मतलब होता है कि जैसे 2500 किलो, मतलब 1 टन मतलब 1000 केजी का होता है, तो 2.5 टन जो है आपका किल जो डेली बन जाएगा। जैसे जेकर आपने छोटी एक ही मशीन लगाना चाहते हो फिर 3 इंची भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। तो जेकर जो कंक्रीट नेल होता है, जैसे ये कंक्रीट नेल है, ये वाला, ये हैवी ड्यूटी 6 इंची वाली मशीन में बना हुआ है। जैसे कंक्रीट नेल बनाना चाहते हो तो 6 इंची वाली एक हैवी ड्यूटी मशीन आती है, वो भी ले सकते हो। वैसे रेगुलर जो है 6 इंची वाली मशीन होती है, एक 6 इंची वाली हैवी ड्यूटी होती है, उसमें गेज जो होती है, जैसे 4 गेज है, 6 गेज है, वो चल जाती है। गेज मोटे वाला किल जो कंक्रीट नेल जिसको बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं ऐसे वाला मोटे वाला किल ऐसा। ये देखिए बाकी जो मशीन है हमारे पास, हर टाइप का इसमें मशीन है। कंक्रीट नेल है, छोटा किल है, चाइना नेल जो इसको बोल देते हैं वो भी है, वो सभी हर टाइप का, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी नोक वाला, हेड भी अच्छा बनेगा, नोक भी आगे से अच्छी बनेगी, ऐसा है, नोक भी आगे पूरी तीखी रहेगी, हेड भी अच्छा पूरा गोल बनेगा ऐसे वाला। ये मतलब इसीलिए हमारी मशीनों की क्वालिटी अच्छी है, हमारे जितने भी पार्ट है सभी हार्ड एंड ग्रैंड होते हैं, बाकी लोगों से हमारी मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे मशीन में बना हुआ किल मार्केट में फटाफट सेल होता है, जल्दी सेल होएगा,
बाकी मशीनों के कोई क्वालिटी नहीं अच्छी होती, वो नेल जरा अच्छा सेल नहीं होता मार्केट में। हमारी मशीन में बना जो नेल है वो मार्केट में सबसे पहले सेल होएगा, क्योंकि उसकी नोक अच्छी रहेगी, हेड अच्छा रहेगा, हर चीज़ अच्छी रहेगी, मशीन की प्रोडक्शन भी ठीक रहेगी। उसके पार्ट ऐसे हैं कि घिसेंगे नहीं जल्दी, 10 साल मशीन चलेगी कोई पार्ट नहीं घिसेगा, हार्ड एंड ग्रैंड होते हैं, कोई शाफ्टें EN20 EN9 की EN8 की होती है, और कोई 24K को पार्ट होते हैं, EN24 के पार्ट ऐसे लगे रहते हैं, कुछ जो उसमें बुश लगते हैं वो भी पूरे ब्रॉन्ज के लगे रहते हैं। आम लोग जो है गंद मेटल के डाल देते हैं, दूसरे लोग जो है हमारा अच्छा फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज कॉस्टली होता है, घिसता नहीं है, वो चलने के बाद फिनिश होता है, ऐसा मतलब। ऐसा हमारी मशीनों के पार्ट भी जो अच्छे हैं, बाकी जो मशीन है जैसे एक मशीन लगाना चाहते हो एक भी लगा सकते हो, 3 इंची वाला 3 इंची तक केल बनाना है, 2.5 इंची से लेकर 3 इंची तक बन जाएगा SN3 लगा लो, जेकर 4 इंची तक लगाना है 4 इंची तक केल बनाना है फिर SN4 लगा लो, वो मतलब 2.5 इंची से लेकर 4 इंची तक केल बन जाएगा आपको। ऐसे हमारे पास हर टाइप का मशीन है, सेटअप कोई भी लगा सकते हो, मतलब वायर नेल का अच्छा खासा मतलब बिजनेस है, अच्छा इसमें प्रॉफिट है। ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक, एक ही आदमी चाहे 3 मशीन लगा लो, एक ही आदमी जो ऑपरेटर है वो 3, 4, 5 मशीन तक एक ही आदमी चला सकता है, क्योंकि इसमें रोल लगता है, वायर का रोल लगेगा स्टैंड के ऊपर, और वो रोल लगना है जब मशीन ऑटोमेटिक चलती रहनी है, नेल बन के अपने आप निकलते रहना है, रोल ख़त्म होएगा तो तभी दूसरा रोल, उसको दूसरा रोल लगाना है मशीन के ऊपर, और कोई काम नहीं है। बाकी मशीनें ऑटोमेटिक अपने भी चलती रहना है, एक मशीन में रोल लगा दिया, दूसरी में लगा दिया, मशीनें सभी ऑटोमेटिक चलती रहनी है, एक ही आदमी आपका 4-5 मशीनें चला सकता है। बाकी जो इसका रॉ मटेरियल है, वायर जो है, वायर के रिलेटेड जो है, इसकी रॉ मटेरियल बनाने वाली भी हमारे पास मशीन होती है, ड्रा मशीन, वायर ड्रा होती है, वो भी आपका सेटअप लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल जैसे जेकर नहीं लेना आपने रॉ मटेरियल बनाने वाली मशीन, वो तकरीबन रॉ मटेरियल जो है 50 रुपये किलो या मार्केट में मिल जाता है। वायर कोई भी साइज की ले सकते हो, मोटी पतली, जैसे 1.5 इंची का केल लेना है बनाना है तो पतली लगेगी वायर, 2 इंची 2.5 इंची 4 इंची बनाना है थोड़ी मोटी लगेगी, ऐसे वो गेज के हिसाब से सब कुछ हमारा इंजीनियर आएगा बता देता है सारा कुछ, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, आपको कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप मशीन का ऑर्डर करो, हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप पे नंबर दिए हुए हैं, नीचे जो नंबर है व्हाट्सअप पे मैसेज करो, हम उसका जो भी आपको बैंक डिटेल जो भी है सभी भेजेंगे, उसमें बुकिंग करो, मशीन देंगे आप, मतलब आप हमारा जो इंजीनियर जाके मशीन सप्लाई करेंगे, और हमारा इंजीनियर जाके आपके पास वहाँ थोड़ी बहुत उसका आपका चार्ज लेगा, और वहाँ पे जाके पूरी ट्रेनिंग दे देगा, किल कैसे बनेगा, मशीन कैसे चलेगी, किल बना के सप्लाई कैसे करना है, जिसमें रॉ मटेरियल आपने 50 रुपये ले लिया, 1-2 रुपये इसका खर्चा आएगा उसके ऊपर, 1-2 रुपये किलो का उसमें बनाने का खर्चा आएगा, मशीन का इलेक्ट्रिसिटी का सारा को मिला के, जो लेबर का 2 रुपये किलो आपका खर्चा आ जाएगा। तकरीबन जो होलसेल में जो किल है 70 रुपये किलो बिक जाते हैं, 10-15 रुपये किलो का प्रॉफिट आराम से निकल आता है। आपने जैसे 3 मशीन लगाया, 2.5 टन माल डेली निकल जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें, और काम भी बढ़िया है, 12 महीने चलने वाला काम है, 12 महीने ही ये काम चलता रहता है। ये किल हर जगह पे लगना है, हर जगह घर में, हर दुकान में, हर घर में इसकी ज़रूरत है, हर घर में पूरे हिंदुस्तान में देखो, हर घर में कहीं ना कहीं किल लगे हुए हैं, कहीं भी चल जाओ, हर घर, हर दुकान, हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर में कहीं ना कहीं किल यूज होता ही है, कोई कारपेंटर है, कुछ भी है, हर आदमी इसकी यूज मतलब ज़रूरत है, इसकी हर थान इसकी ज़रूरत है, 12 महीने चलने वाला काम है, इसलिए ये बढ़िया काम है। आप कभी भी इसको काम शुरू कर सकते हो बिना किसी कभी भी, और हमारे दिए हुए भी चीज़ें व्हाट्सअप पे मैसेज करो, हम डिटेल भेज देंगे। आप कहीं भी इंडिया में हो, आप बुकिंग कराओ, हम ट्रांसपोर्ट से मशीन भेज देते हैं, वहाँ जाके पूरा सेटअप चालू करवा देते हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा खासा काम चल जाता है। बाकी जो है मतलब जो किल के रिलेटेड मैं पूरी आपको जानकारी दे दी है, बाकी जेकर और कोई मशीन की जानकारी लेना चाहते हो तो भी हमारे पास वायर के रिलेटेड हर टाइप की मशीन है। किल के बारे में जो किल वायर नेल है, वायर नेल कांटी बोल देते हैं इसको, बहुत सारे लोग कांटी बोलते हैं, कांटी बोलते हैं, कोई स्टेट में किल बोलते हैं, कुछ और मेक बोल देते हैं, नेल बोलते हैं, कुछ और जो अपना अपना हर स्टेट का इसका बोलने का है क्या बोलना है, लेकिन इसकी शेप ये किल रहता है, ये देखिए ये किल है, वायर नेल है, इसको जो भी आप बोलना है इसका मशीन वायर नेल मेकिंग मशीन हमारा है, ये रहता है, ये हमारा ये वायर, इसकी वायर नेल वाली मशीनें जैसे है ये हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट भी होती है। जैसे ये वायर नेल है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये चौरस किल है,
ये चौरस किल भी जो बनता है ना, इसमें छह पहलू, तीन पहलू है किल, तीन पहलू बना हुआ है। जैसे ये जो मतलब बाहर कंट्री में जैसे तीन पहल वाली तार बनती है, वो भी हमारे पास किल्लत है, उसकी मशीन भी है हमारे पास। बाकी ये डबल हेड वाला ये देखिए किल है, ये स्पेशल पर्पज मशीन है। जैसे ये किल है वायर नेल, इसमें हेड डबल बना हुआ है। ऐसा भी मशीन लेना चाहते हो जो स्पेशल पर्पज मशीन है, ये भी ऐसा हमारे पास मिलता है। ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं कोई बनाता, लेकिन हम बनाते हैं ये मशीनें। ऐसी कोई भी मशीन है इंडिया में नहीं मिलेगी, हमारे पास हर टाइप का मशीन मिल जाएगा। ये डबल हेड किल है, ये ऐसे दीवार में लग जाता है, ऐसे इतना बाहर रहता है, कोई चीज़ उसमें टंगने के लिए या कुछ काम इसके रखने के लिए वो काम आते हैं। ऐसे किल भी लगते हैं बहुत सारे। मैं वायर के रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दे दिया है। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो इसको, और आगे जो ग्रुप है आपके कोई बट आपके मोबाइल में ग्रुप, उसमें हमारी वीडियो जो है शेयर करते रहा करो। क्योंकि किसी ना किसी आदमी को आगे किसी का भला होता है, कोई इसको पता चलता है, कोई आदमी बेरोजगार है, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको पता चल जाता है कि जहाँ से मशीन मिलेगी अच्छी बढ़िया क्वालिटी का, अच्छा मशीन ले लेगा। एक बार पैसा उसने खर्चना है, एक बार पैसा खर्च के वो अच्छी मशीन मिल जाएगी, तो उसकी लाइफ टाइम मशीन जड़ी है अच्छी चलेगी। इसलिए हमारी वीडियो आगे शेयर करते रहा करो, आगे ग्रुपों में हर जगह पे जहाँ पे भी शेयर करोगे वो कोई ना कोई जानकारी आगे हर आदमी को मिलेगी। आपको हमारे YouTube चैनल में हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।